प्यारे विद्यार्थियों, मैं तेजकरण चौहान, सह आचार्य इतिहास, मांगीलाल बागड़ी महाविद्यालय नोखा। जैसा कि विदित है कि कल हमने अलाउद्दीन खिलजी के उत्तरी भारत पर किए गए विजय अभियानों के बारे में चर्चा की थी, उसी कड़ी में आज हम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दक्षिण भारत को जीतने के बारे में पढ़ेंगे। उत्तरी भारत को अपने अधिकार में लेने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिणी भारत को जीतने का संकल्प किया। वह पहला ऐसा मुस्लिम शासक था जिसने दक्षिणी भारत को जीतने का साहस दिखाया, या यूं कहें कि अब तक दिल्ली सल्तनत पर्याप्त सुदृढ़ हो चुकी थी और दिल्ली के सुल्तान अब दक्षिण भारत की तरफ देखने लगे थे। सुल्तान जलालुद्दीन के शासनकाल में हमने अलाउद्दीन के देवगिरी अभियान का उल्लेख किया था, परंतु दुर्भाग्य की बात तो यह थी कि उसके उस अभियान से या उत्तरी भारत पर मुसलमानों की विजय के बाद भी दक्षिणी भारत के हिंदू राजाओं ने कोई सबक नहीं सीखा और अपने सीमांतों की सुरक्षा के प्रति किसी प्रकार का सक्रिय कदम नहीं उठाया, न ही पूर्व की भांति आपसी युद्धों से वे निकल पाए। उस समय हम देखते हैं कि दक्षिणी भारत में चार शक्तिशाली हिंदू राज्य थे। दक्षिणी भारत के प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर यादवों का राज्य था, जिसमें लगभग समस्त महाराष्ट्र सम्मिलित था और देवगिरी उसकी राजधानी थी। इसी प्रकार प्रायद्वीप के पूर्वी भाग में तेलंगाना का राज्य था, जहाँ पर काकतीय वंश के लोग राज्य कर रहे थे, और वारंगल जिसकी राजधानी था, जो उस समय लौह अस्त्रों के लिए संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत में विख्यात था। सुदूर दक्षिण में कृष्णा नदी के दक्षिण में होयसल राज्य स्थित था, जिसमें मैसूर और मैसूर के आसपास का तटवर्ती क्षेत्र सम्मिलित था और द्वार समुद्र उसकी राजधानी था। सुदूर दक्षिण में पांड्यों का राज्य था, जिसकी राजधानी मथुरा थी और उस समय सुंदर पांड्य वहाँ पर राज्य कर रहा था। दक्षिणी भारत के संबंध में अलाउद्दीन ने उत्तरी भारत से बिल्कुल भिन्न नीति अपनाई। उत्तर भारत को वह सीधे अपने शासन के अंतर्गत रखना चाहता था, वहीं दक्षिणी भारत पर वह सीधे नियंत्रण स्थापित नहीं कर केवल उन्हें करद राज्य तक ही सीमित रखना चाहता था। उत्तरी भारत को जीतने के बाद उसने पराजित राज्यों को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया और वहां पर अपने तुर्क सरदारों को इक्ताओं के रूप में बांट दिया गया, परंतु दक्षिणी भारत पर उसके सैन्य अभियान का उद्देश्य केवल वहां से कर प्राप्त करना, उनकी अधीनता स्वीकार करना, और इस शर्त पर कि यदि हिंदू शासक उनकी अधीनता स्वीकार करते हैं तो उनका राज्य उनको वापस लौटाने को भी वह तैयार था, जिससे स्पष्ट होता है कि दक्षिण में उसका उद्देश्य केवल धन वसूल करना था। दूसरा, सुदूर दक्षिणवर्ती क्षेत्र उत्तरी भारत या दिल्ली से बहुत दूर भी था और व्यावहारिक रूप से इतनी दूरी से निरंतर दक्षिणी भारत पर अपना नियंत्रण बनाए रखना मुश्किल था। दूर होने की वजह से यदि उनको मुस्लिम राज्य में शामिल किया जाता और वहाँ पर मुस्लिम सूबेदारों की नियुक्ति की जाती तो संभावना थी कि वो उसके खिलाफ लगातार विद्रोह कर सकते थे। इसीलिए उसने व्यावहारिक रूप से समुद्रगुप्त की तरह दूरस्थ राज्यों पर केवल करद
नियंत्रण स्थापित करना उपयुक्त समझा। दक्षिण भारत को जीतने का श्रेय उसके एक सिपह सरदार मलिक काफूर को दिया जाता है, जिसे सुल्तान ने नायब के पद पर भी नियुक्त किया था। सर्वप्रथम वारंगल पर अलाउद्दीन के भतीजे छज्जू और अलाउद्दीन के विश्वासपात्र नुसरत खां के द्वारा आक्रमण करवाया गया, परंतु यह एक आश्चर्य की बात है कि उसका पहला ही आक्रमण दक्षिण भारत में असफल साबित हुआ। मुस्लिम सेना ने बंगाल और उड़ीसा के मार्ग से वारंगल पर आक्रमण किया, परंतु वहां के शासक प्रताप रुद्रदेव ने मुस्लिम सेना को पराजित कर वापस खदेड़ दिया। इस आक्रमण के बारे में अधिकांश मुस्लिम इतिहासकार उल्लेख नहीं करते हैं। उसके पश्चात मलिक काफूर ने देवगिरी पर दोबारा आक्रमण किया। जलालुद्दीन के शासनकाल में जब अलाउद्दीन ने देवगिरी के राजा के साथ जो संधि की थी उसके अनुसार राजा को एलिसपुर क्षेत्र का वार्षिक कर चुकाने का वचन दिया गया था, परंतु 3 वर्ष से उसने कर नहीं भेजा। इसीलिए 1307 में अलाउद्दीन ने राजा रामचंद्र देव के विरुद्ध दिल्ली से एक सेना भेजी। इस आक्रमण का एक दूसरा कारण और भी था। गुजरात के बघेल राजा कर्ण की पुत्री देवल देवी को लाने का कार्य भी मलिक काफूर को सौंपा गया था, क्योंकि देवल देवी की मां कमला देवी पहले से अलाउद्दीन के शाही हरम में थी और वह अपनी पुत्री से मिलना चाहती थी। शाही सेना ने देवगिरी की सीमा पर आक्रमण किया और सर्वप्रथम राजा कर्ण, जो एक छोटे से क्षेत्र बगलाना का शासक था, को ही उसका सामना करना पड़ा। देवगिरी पर शंकरदेव के कठोर प्रतिरोध के पश्चात विजय प्राप्त कर ली गई और राजा रामचंद्र देव को आत्मसमर्पण करना, देवगिरी की लूट से प्राप्त धन संपदा के साथ राजा रामचंद्र देव को दिल्ली भेजा गया। दिल्ली में सुल्तान अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के साथ अच्छा व्यवहार किया और उसे राय रायन की उपाधि भी प्रदान की और देवगिरी का राज्य भी उसे वापस लौटा दिया। इस उदार व्यवहार के पीछे सुल्तान की नीति दक्षिण में एक अधीनस्थ मित्र प्राप्त करना था, जहां से आधार बनाकर सुदूरवर्ती दक्षिण क्षेत्रों पर निरंतर आक्रमण करना उसका उद्देश्य था। इसीलिए उसने देवगिरी के रूप में एक मजबूत साथी ढूंढने के उद्देश्य से रामचंद्र देव के साथ उदारतापूर्ण व्यवहार किया और साथ ही साथ नवसारी का जिला भी उसको निजी जागीर के रूप में प्रदान किया गया। इस प्रकार देवगिरी को आधार बनाकर उसने पुनः 1308-09 में तेलंगाना पर दोबारा आक्रमण किया। तेलंगाना पर इस समय भी प्रताप रुद्रदेव ही शासन कर रहा था। वारंगल का दुर्ग बहुत मजबूत था और सुदृढ़ दीवारों से घिरा हुआ था, परंतु वारंगल की सेना मुस्लिम सेना का अधिक समय तक सामना नहीं कर पाई और अंततः प्रताप रुद्रदेव को आत्मसमर्पण करना और भारी धन संपदा और वार्षिक कर चुकाने का वचन भी देना पड़ा। तेलंगाना की विजय के बाद अलाउद्दीन ने 1310 ईस्वी में होयसल राज्य पर आक्रमण किया। मलिक काफूर को विशाल सेना के साथ भेजा गया। होयसल राज्य पर इस समय वीर बल्लाल तृतीय का शासन था और द्वार समुद्र अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। देवगिरी में विश्राम करने और वापसी मार्ग की सुरक्षा का इंतजाम करने के बाद काफूर द्वार समुद्र की तरफ बढ़ा, परंतु वीर बल्लाल उस समय पांड्य राज्य की सीमाओं पर युद्ध में उलझा हुआ था, अतः उसे काफूर के आक्रमण के सही
समय पर सूचना नहीं मिली। इसी बीच काफूर ने द्वार समुद्र को घेर लिया। वीर बल्लाल ने राजधानी को बचाने का प्रयास किया, परंतु वह असफल रहा और राजधानी पर शीघ्र ही आक्रमणकारियों का कब्जा हो गया। मुस्लिम सैनिकों ने भव्य एवं समृद्ध मंदिरों और नागरिकों को जी भरकर लूटा। विवश होकर बल्लाल को संधि करनी पड़ी, जिसके तहत उन्हें भारी वार्षिक कर और युद्ध का हर्जाना चुकाना पड़ा और सुल्तान की अधीनता भी स्वीकार करनी पड़ी। इसके पश्चात सुदूर दक्षिण में स्थित पांड्य राज्य पर अलाउद्दीन ने आक्रमण किया। सुयोग से उस समय वीर पांड्य और सुंदर पांड्य दोनों ही भाइयों में गृह युद्ध चल रहा था, और कुछ विद्वानों का ये मानना है कि सुंदर पांड्य ने काफूर की सहायता की मांग की, परंतु कारण जो भी हो, काफूर ने राजधानी मदुरा पर आक्रमण किया और उस पर अधिकार कर लिया। वीर पांड्य ने छापामार युद्ध पद्धति से लंबे समय तक शत्रु से संघर्ष जारी रखा, परंतु अंततः वह असफल हुआ। काफूर द्वारा किए गए इस आक्रमणों के बीच उसे इधर उधर जाने का अवसर मिला और मार्ग में पड़ने वाले असंख्य मंदिरों की लूट से उसे अपार धन प्राप्त हुआ। इस आक्रमण से वह इतना धन लेकर दिल्ली आया जितना पहले कभी कोई भी व्यक्ति इतना माल धन जवाहरात लेकर कोई और व्यक्ति नहीं आया था। अंत में राजा रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद जब शंकर देव देवगिरी का शासक बना, चूँकि वह शुरू से सल्तनत का विरोधी था, 1311 ईस्वी में काफूर वापस दिल्ली लौटा, तब उन्होंने वार्षिक कर भेजना बंद कर दिया। अतः उसे पुनः दंडित करने के लिए 1313 में मलिक काफूर को भेजा गया। मलिक काफूर को पुनः भेजा गया, उसके पीछे सल्तनत की आंतरिक दलबंदियां भी सम्मिलित थी, क्योंकि इसी समय अलाउद्दीन का स्वास्थ्य तेजी से गिरता जा रहा था और शासन सत्ता पर मलिका जहां, उसके भाई अलब खां और अलब खां का प्रभाव बढ़ता जा रहा था, और काफूर की बढ़ती हुई शक्ति उन दोनों को पसंद नहीं थी। अतः मलिका जहां और अलब खां ने काफूर को दिल्ली से दूर रखने की योजना बनाई और सुल्तान को देवगिरी के विरुद्ध काफूर को भेजने के लिए राजी किया। शंकर देव ने शाही सेना का सामना किया। देवगिरी का बहुत बड़ा भाग दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित कर लिया गया। उसके बाद काफूर ने तेलंगाना और होयसल राज्यों पर भी फिर आक्रमण किया और धन वसूला, परंतु थोड़े समय उपरांत ही मलिक काफूर पुनः दिल्ली लौट आया। दक्षिणी भारत के संबंध में अलाउद्दीन की नीति की समीक्षा के बारे में ये कहा जा सकता है कि अलाउद्दीन अपने दक्षिण की नीति को प्राप्त करने में पूर्ण रूप से सफल रहा, क्योंकि उसका उद्देश्य था कि वहाँ से केवल कर प्राप्त करना और हिंदू राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाना। इसमें वह पूर्णतः सफल हुआ, क्योंकि वह जानता था दिल्ली से दूरस्थ क्षेत्रों पर लंबे समय तक स्थायी कब्जा बनाए रखना उसके लिए मुमकिन नहीं है। अतः जो प्लानिंग उसने की थी उसे प्राप्त करने में वह पूर्णतः सफल रहा। यद्यपि कुछ इतिहासकार अलाउद्दीन की दक्षिण नीति को विफल मानते हैं और वो कहते हैं कि अलाउद्दीन अपने भरपूर आक्रमणों के बाद भी दक्षिण भारत के राज्यों को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित नहीं कर पाया, जबकि वस्तुतः हम जानते हैं कि अलाउद्दीन ने कभी भी इस प्रकार का प्रयास किया ही नहीं कि वह सुदूर दक्षिणवर्ती क्षेत्रों को जीते और वहाँ मुस्लिम शासन की नींव डालें, क्योंकि ऐसा करने पर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में स्थापित होने वाले नव मुसलमान या मुस्लिम रियासतें आगे चलकर दिल्ली सल्तनत की विरोधी साबित हो सकती थी। अतः उसने शुरू से ही केवल वहाँ के राज्यों
से अधीनता स्वीकार करवाना और बदले में वार्षिक कर प्राप्त करने की नीति अपनाई, ताकि उस प्राप्त धन से वह उत्तरी भारत में अपनी सत्ता को मजबूत और स्थायी तो बना सके। इस प्रकार कहा जा सकता है दक्षिण भारत के बारे में अलाउद्दीन पूर्णतया अपनी नीति को सफल बनाने में लागू करने में सफल रहा। इसके साथ साथ क्योंकि वह जानता था कि उत्तरी भारत में लगातार मंगोलों के होने वाले आक्रमण भी उसके लिए खतरे का कारण है, और यदि वह सुदूरवर्ती क्षेत्रों में मुस्लिम शासन की नींव डालता है तो उत्तर से होने वाले मंगोल आक्रमणों पर कंट्रोल नियंत्रित करना उनके लिए असंभव होगा। और संभव है यदि वह दक्षिण में रहता है तो उत्तरी भारत और दिल्ली उसके हाथ से निकल जाने का खतरा हमेशा बना रहता था, क्योंकि मंगोल लगातार 1296, 1397, 1303, 1305 इत्यादि में लगातार आक्रमण कर रहे थे, और उससे पूर्व बलबन के ज़माने में भी मंगोल लगातार आक्रमण कर रहे थे। मंगोलों के संभावित आक्रमणों से दिल्ली के राज्य को बचाए रखने के लिए अलाउद्दीन ने कभी भी दिल्ली को छोड़ना उचित नहीं समझा, इसीलिए उसने कभी भी दक्षिणी भारत में स्थायी राज्य बनाने की तरफ ध्यान नहीं दिया। अलाउद्दीन के शासनकाल में कादर खां 1296 ईस्वी में, 1297 ईस्वी में सालदी, 1299 में कुतलुक ख्वाजा और तागी के नेतृत्व में 1307 में बड़ा आक्रमण हुआ, जिससे सल्तनत को बड़ा नुकसान हुआ। यद्यपि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने विश्वासपात्र सेनानायकों जफर खां, अलफ खां, अपने भाई उलुग खां की सहायता से मंगोलों के हर आक्रमण को उसने विफल कर दिया था, लेकिन मंगोलों के खतरे की वजह से अलाउद्दीन दिल्ली और उत्तरी भारत के राज्यों की सुरक्षा के लिए वह हमेशा कार्य करता रहा। और जैसा कि कई विद्वान कहते हैं कि दक्षिण भारत में वह असफल हुआ, वह नितांत ही गलत कहा जा सकता है, क्योंकि अलाउद्दीन अपने समय की तात्कालिक राजनीति और परिस्थितियों का भली भांति जानकारी प्राप्त करने के बाद ही अपने राज्य के अनुकूल कदम वह लगातार उठा रहा था। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अलाउद्दीन निसंदेह एक योग्य सेनानायक, साम्राज्य निर्माता और कुशल शासक था। यद्यपि उसके अंतिम दिन बहुत संकट और निराशा में बीते और अत्यधिक कठिन परिश्रम, अत्यधिक भोग विलास ने उसे ढलती उम्र में अत्यंत रोगग्रस्त बना दिया, और 1316 ईस्वी के आसपास उसकी मृत्यु हो गई। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत।